हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। अल्टरनेटिंग करंट के लास्ट लेक्चर में हमने एलसी ऑसिलेशन के कंसेप्ट को समझा था। एलसी ऑसिलेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन किस तरीके से होता है, इसको डीपली फील किया था और इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अल्टरनेटिंग करंट के 10th लेक्चर में आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे, इसके यूज को समझेंगे और चौक कॉइल के बारे में भी पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर एंड चौक कॉइल, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ एसी सोर्स के लिए यूज होते हैं। डीसी के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, डीसी सोर्स में यूज ही नहीं हो सकता, डीसी के लिए बना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है? एसी के लिए। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, इट इज ओनली यूज फॉर एसी सोर्स, इट इज कनॉट यूज फॉर द डीसी सोर्स। पहली बात। दूसरी बात, ये करता क्या है सर? ट्रांसफार्मर करता क्या है? तो आपके घर में टीवी है क्या? हाँ सर है, अभी का नहीं, बहुत पहले के जमाने का पुराना टीवी होगा, तुम्हारे घर वाले के किसी घर के एल्बम के किसी फोटो में होगा या तुमने पहले देखा होगा। एक ऐसा टीवी होता था ब्लैक एंड व्हाइट या कलर, इसके ऊपर एक डब्बा सा रखा होता था, घर के सारे लोग एक ही जगह बैठ के टीवी देखते थे और यहाँ पे एक मीटर टाइप लगा होता था, याद है क्या? यहाँ पे एक वो होता था चैनल घुमा, चैनल रोटेट करना टाइप। अचानक से सब लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं और वोल्टेज डाउन हो गया, वोल्टेज कम हो गया, डिप हो गया, तो घर वाले बोलते थे भाग के जा वोल्टेज बढ़ा। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति थी तो तुम वोल्टेज बढ़ा देते थे। कैसे? तुम जाते थे और इस चैनल को घुमा घुमा के 190 से 200, 200 से 210, 210 से 230, 240 तक वोल्टेज अप कर देते थे। और कभी अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता था तो भी घर वाले बोलते थे जा वोल्टेज कम कर, नहीं तो फूक जाएगा टीवी। तुम भाग के जाते थे और वोल्टेज कम करते थे, वहां जाते मैन्युअली करना होता था। अब के टीवी में वो ऑटोमेटिक होता है और उसके अंदर ही इनबिल्ट होता है, छोटा सा होता है। पहले के टीवी के ऊपर बड़ा सा रखा होता था या फ्रिज के ऊपर भी रखा होता है, आजकल ये इसको स्टेबलाइजर बोलते हैं। और इस स्टेबलाइजर जो मेनली काम करता है उसके अंदर होता है ट्रांसफार्मर और इसी की वजह से वोल्टेज अप और डाउन करता है। मतलब ट्रांसफार्मर का काम क्या है? इट इज यूज टू कंट्रोल वोल्टेज। जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि पावर स्टेशन से है ना सब स्टेशन तक या आपके कंज्यूमर तक जो वोल्टेज सप्लाई होता है हाई वोल्टेज पर होता है ताकि पावर लॉस कम हो। तो हाई वोल्टेज पे करने के लिए उसका वोल्टेज बढ़ाना होगा, तभी तो आप देखते हो 21,000 वोल्ट पे ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज इतना होता है। और जब वो हमारे घर के आसपास सब स्टेशन पे पहुंचता है तो सब स्टेशन पे ट्रांसफार्मर की मदद से उसकी वोल्टेज को कम कर देते हैं। तो मेनली दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है स्टेप अप। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग ट्रांसफार्मर बनाते, एक ही ट्रांसफार्मर दो तरीके से यूज होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। वोल्टेज को स्टेप डाउन करने की कहां जरूरत पड़ती है? सब स्टेशन पे, क्योंकि पावर हाउस से, पावर हाउस जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वहां से कंज्यूमर के घर के आसपास तक सब स्टेशन तक हाई वोल्टेज पे पावर सप्लाई होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है, पावर हाउस पे यूज होता है। और ये बेटा यूज होता है सब स्टेशन पे जहां से 220 वोल्ट पे वोल्टेज सप्लाई होता है, आता 11,000 पे है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके उसके वोल्टेज को 11,000 से 240 वोल्ट पे कन्वर्ट करके, 220 वोल्ट पे कन्वर्ट करके आपके घर तक पहुंचाया जाता है। तो ये करता क्या है? वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अच्छा साहब, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है साहब, इफिशियंसी दैट इज ऑलमोस्ट 95%, अप टू 95%, इससे कमी होगा, इससे ज्यादा नहीं होता। बट अब लॉस कहां हो रहा है, कितना हो रहा है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे, बट जब हम इसके कंसेप्ट को पढ़ रहे होंगे तो हम मान के चलेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। बट फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर जिसकी बात कर रहे हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर,
आइडियल ट्रांसफार्मर में हम ये बात करके चलते हैं कि पावर लॉस जीरो हो रहा है, तभी तो मैथमेटिकली मैकेनिज्म डिराइव कर सकते हैं, नहीं तो लॉस कहाँ पे हो रहा है। लॉस के तो बहुत फैक्टर है, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा डेरिवेशन और मैकेनिज्म समझेंगे वो हम ये मान के चलेंगे पावर लॉस जीरो हो रहा है। अगर पावर लॉस जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, मैं कह रहा हूँ इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। अब देखिए ये ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ये अपन एक लेते हैं सॉफ्ट आयरन, क्यों लेते हैं इसके बारे में भी बताऊँगा, देखो मैग्नेटिक मटेरियल अब नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, है ना, मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि दो चार प्रॉपर्टी जो मैं बताऊंगा वो सॉफ्ट आयरन का होता है। यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं बेटा बताओ, सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं, तो इस तरह का सॉफ्ट आयरन होता है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्वाइल लेके इसको बाउंड कर देते हैं और यहाँ पे बेटा इनपुट देते हैं। कैसा इनपुट देते हैं, एसी इनपुट देते हैं। यहाँ से वोल्टेज आता है, सॉरी करंट जाता है आईपी प्राइमरी, इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल। तो आप कह सकते हैं आईपी इज करंट इन प्राइमरी, या इसको इनपुट करंट कह सकते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज दे रहे हैं अपन, ये आपका इनपुट वोल्टेज है वी इन, इनपुट वोल्टेज या प्राइमरी वोल्टेज कह सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एनपी है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, ये कहानी है बेटा। अब इधर से अपन क्या करते हैं, सेकेंडरी कॉइल लेते हैं। सर म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए इतना दूर दूर आपने कॉइल लगा दिया, तो इसका फ्लक्स इससे लिंक होगा कैसे, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसा होगा। यहाँ पे देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यहाँ पे होगा, ये वहाँ कैसे लिंक करेगा, इसलिए तो सॉफ्ट आयरन बोला है। सॉफ्ट आयरन बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बस दो ही बना रहा हूँ क्योंकि इजिली विजुअलाइज हो जाए, ऐसे क्लोज लूप बनाएगा। सॉफ्ट आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो करके जाता है, मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसकी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी कैसी होती है वो अपन मैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ेंगे। तो ये मैग्नेटाइज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से लिंक करेगा, तो ये अपन बनाते हैं सेकेंडरी कॉइल। यहाँ से अपन लेते हैं एसी वी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज होती है, मान लीजिए जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो आपका सेकेंडरी करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करता ही क्यों है वो देखेंगे अभी। मान लीजिए आईएस करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको बोलेंगे करंट इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंडरी वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज या सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, राइट। और यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा इन एस, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अब सुनिए ध्यान से, यहां पे एसी इनपुट दे रहा हूं, जैसे मैं एसी इनपुट दूंगा तो फ्लक्चुएटिंग करंट है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज दे रहा हूँ, फ्लक्चुएटिंग करंट होगा। अब फ्लक्चुएटिंग करंट की वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। किसी भी इंस्टेंट पे मान लो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास कर रहा है, तो एक कॉइल से कितना फ्लक्स पास करेगा, टोटल फ्लक्स पूछूंगा तो कैसे निकालोगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन लूप और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लूप, दिट्स इज नंबर ऑफ लूप। लेकिन एक ही लूप से अगर मैं फ्लक्स पूछूं तो दो फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, और जितने फील्ड लाइंस यहां से गए हैं उतने ही यहां पे पहुंचेंगे। यहां पे फ्लक्स लीकेज भी होता है, पहला लॉस यहां पे पावर लॉस फ्लक्स लीकेज की वजह से हो सकता है। मान लो यहां पे इनपुट वोल्टेज चेंज होने से करंट चेंज होगा, चेंजिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से यहां पे फ्लक्स चेंज होगा, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा वो कुछ ऐसा होगा, अरे सोलेनोइड जैसा ही तो है ये कॉइल को, देखो अपन क्या किया कि बाउंड कर दिया, खूब सारे वायर घुमा घुमा के लपेट दिया, तो सोलेनोइड बन गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे भी तो क्लोज लूप बना सकता है, तो ये लीक कर गया यहां से। मान लो यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 8 ही पहुंचेगा प्रैक्टिकली, लेकिन आइडियली हम मान के चल रहे हैं कि जितने फील्ड लाइंस यहाँ से गुजरे हैं वो यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पे जितने मीट हो रहे हैं वहाँ पे पहुंच रहा है। तो एक लूप से कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं, दो फील्ड लाइंस, तो उसको फाई नॉट बोल दो। तो देखना यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, फ्लक्स वन लूप ऑफ प्राइमरी
वन लूप ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू फ्लक्स इन वन लूप ऑफ सेकेंडरी। क्या मैं सही लिख रहा हूं? उसको फाइंड आउट बोल देता हूं। एक लूप से दो फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, यहां भी एक लूप से दो फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, दोनों का एरिया भी मैंने सेम लिया है। तो एक लूप से पास करने वाला फ्लक्स दोनों से सेम है, लेकिन टोटल फ्लक्स अगर मैं पूछूं प्राइमरी कॉइल से और सेकेंडरी कॉइल से तो डिफरेंट होगा। लूप और कॉइल में फर्क समझते हो ना? एक लूप मतलब एक घेरा और कॉइल मतलब बहुत सारे घेरे का कॉम्बिनेशन कॉइल हो जाएगा। सॉलिड वायर बोल दे यार। तो इस पूरे कॉइल से सॉलिड वायर से पास करने वाला फ्लक्स दोनों का सेम नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ लूप डिफरेंट है। तो अगर मैं पूछता हूं कि फाइंड फ्लक्स इन अ प्राइमरी कॉइल, तो बोलोगे एनपी इंटू फाइंड नॉट, एक लूप से पास करने वाला इंटू नंबर ऑफ लूप। और सेकेंडरी का पूछूंगा तो आप बोलोगे फाई एस इज इक्वल टू एन एस इंटू फाइंड नॉट। बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं? बहुत ईजी है। अब यहां पे किस इंस्टेंट पे वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा? बहुत आसान है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज ईएमएफ, और जितना ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के बराबर होगा। तो यहां पे डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी किसका? प्राइमरी का, इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू एनपी इंटू फाई नॉट। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, नहीं तो तुम माइनस मत ढूंढने लग जाना। देख भाई, डी फाई एस बाई डी टी वोल्टेज इन सेकेंडरी इज इक्वल टू ई एस इंटू फाई नॉट। एन एस गलती हो गया था। अब इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, ठीक है सर? इक्वेशन नंबर इसको बोल देता हूं मैं टू, इसको बोल देता हूं वन। इक्वेशन टू बाई वन, टू बाई वन, तो बोलो ई एस बटा ई पी। ओहो, ई एस बटा ई पी, तो एन नॉट बटा फाई नॉट, सॉरी, अरे यार एन एस सेकेंडरी, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो एन एस फाई नॉट एन पी फाई नॉट, फाई नॉट से फाई नॉट कटेगा, याद आएगा साहब, एन एस बटा एन पी। कितना सिंपल है, ईएमएफ का रेशियो, आउटपुट बटा इनपुट वोल्टेज, आउटपुट बटा इनपुट ईएमएफ का रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के बराबर आ गया। तो यहां पे बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स बटा प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स बटा इनपुट वोल्टेज। ये रहा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। कितना आसान है यार, ट्रांसफार्मर क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ एसी के लिए यूज होता है, ये वोल्टेज कंट्रोल करता है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड होता है क्योंकि इसका फ्लक्स इससे जाके लिंक हो रहा है ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ही तो होगा। आइडियली ट्रांसफार्मर में पावर लॉस जीरो मानते हैं, जब तक पावर लॉस के बारे में क्वेश्चन में ना लिखा हो तब तक आप ये जो पूरा डेरिवेशन है वो आइडियल सिचुएशन मान के किया है। ये आपका प्राइमरी कॉयल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स एनपी होंगे, ये सेकेंडरी कॉयल है, यहाँ पे आउटपुट लेंगे, यहाँ पे इनपुट लेंगे, बहुत सी आसान है। सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से आयरन मैग्नेटाइज हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ तक ट्रांसमिट करके ले आए। जो वोल्टेज का रेशियो होता है नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शन होता है। अगर आउटपुट का नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो इनटू इनपुट वोल्टेज तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। वोल्टेज प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शन होता है। सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा तो सेकेंडरी की वोल्टेज ज्यादा होगा, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा होगा। बहुत ईजी है, स्क्रीन पॉज करके पहले इतना लिखिए। नेक्स्ट अगर अपन पावर की बात करें बेटा, ट्रांसफॉर्मर में पावर की बात करें तो क्या लिखेंगे बोलो? पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट। वैसे तो इसकी एफिशिएंसी होती है 95% के आसपास, बट अपन आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं। फिर से मैं लिख देता हूं आइडियल ट्रांसफॉर्मर, और आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए एफिशिएंसी अपन 100% मान के चल रहे हैं। डेरिवेशन वोल्टेज आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन, आउटपुट करंट और इनपुट करंट, आउटपुट पावर और इनपुट पावर के बीच में रिलेशन आइडियल ट्रांसफार्मर एज्यूम करके ही अपन कर रहे हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पावर लॉस जीरो होगा, एफिशिएंसी 100% होगा, तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर होगा साहब। पावर को क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज इनटू करंट। इनपुट पावर की बात कर रहे हैं तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट। आप इसको लिख सकते हैं आउटपुट फॉर सेकेंडरी
तो कभी कभी मल्टीपल लैंग्वेज यूज करके आपको कंफ्यूज कर सकता है, कर सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। बोलेगा प्राइमरी वोल्टेज इतना है और आउटपुट वोल्टेज बताओ। आउटपुट वोल्टेज मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट इतना है साहब, या इनपुट करंट इतना है, सेकेंडरी करंट बताओ। सेकेंडरी एंड आउटपुट इज अ सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल पे आउटपुट ले रहा हूं। प्राइमरी एंड इनपुट इज सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, है ना। तो मल्टीपल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। यहां पे लिखा है मैंने आउटपुट करंट, इसको आप सेकेंडरी करंट भी कह सकते हैं, करंट इन सेकेंडरी कॉइल भी कह सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज इन अ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है सर, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो चलो इनपुट करंट बाई आउटपुट करंट का रिलेशन देखते हैं। आई इनपुट बटा आई आउटपुट इज इक्वल टू, आई इनपुट बटा आई आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज। सही है। और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। आउटपुट मतलब सेकेंडरी, इनपुट मतलब प्राइमरी एनपी। तो यहां से बहुत इजी रिलेशन आ गया है कि वोल्टेज तो अपन देख रहे थे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है। ओ हो, मास्टर रुक जा, गलत कर रहा है। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है, और यहाँ भी ये चीज़ तो हम देख ही रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ भी ये चीज़ हम देख ही रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट, आउटपुट नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और करंट की बात करेंगे तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। कैसे सर, कैसे सर? इनपुट करंट, आउटपुट नंबर ऑफ टर्न्स, आउटपुट करंट, इनपुट नंबर ऑफ टर्न्स। क्या आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई? तो तीन रिलेशन है और तीन चीज आपसे पूछी जाती है। पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। और 99% केसेस में, जिस तरीके से इसका एफिशिएंसी 95% होता है, तो 95% केसेस में आइडियल ट्रांसफार्मर मार के ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पावर इक्वल करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अब साहब दो तरह का ट्रांसफार्मर है, कितने तरह का ट्रांसफार्मर है? दो तरह का। स्टेप अप, स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का टर्न्स ज्यादा होगा प्राइमरी से, इसीलिए सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा प्राइमरी के वोल्टेज से, क्योंकि टर्न्स ज़्यादा है, बट सेकेंडरी का करंट कम होगा प्राइमरी के करंट से, क्योंकि करंट इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन पावर बराबर होगा, चाहे आप सेकेंडरी की बात करें या प्राइमरी की बात करें, इनपुट बात करें या आउटपुट की बात करें, पावर सेम होगा। करंट सेकेंडरी में कम होगा, वोल्टेज सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करूंगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करूंगा, तो इसमें सेकेंडरी का नंबर कम होगा, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा, प्राइमरी का ज्यादा होगा, इसलिए प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी के वोल्टेज से ज्यादा होगा, बट सेकेंडरी का करंट प्राइमरी के करंट से ज्यादा होगा, लेकिन पावर तो पावर है, बराबर रहेगा। और थ्योरेटिकल सवाल में कंसेप्चुअली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब आउटपुट वोल्टेज कम, आउटपुट वोल्टेज कम, तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कम, तभी तो आउटपुट वोल्टेज कम होगा। प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, तो प्राइमरी का करंट कम और सेकेंडरी का करंट ज्यादा, लेकिन पावर दोनों का बराबर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होगा, करंट सेकेंडरी कॉइल में कम होगा, पावर दोनों में सेम होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी वोल्टेज कम होगा, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा, प्राइमरी का करंट कम होगा। हो जाए कि नहीं आया? बस ये तीन फॉर्मूले और स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ये कंसेप्ट। अब साहब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एकदम ओरली आपसे पूछे जाते हैं, एकदम इजी सवाल पूछे जाते हैं। प्राइमरी का टर्न्स 10 है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल इज 10, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल इज 100, इनपुट वोल्टेज इज 100, देन आउटपुट वोल्टेज इज 1000, रेशियो निकालना है। नंबर ऑफ टर्न्स 10 टाइम्स, तो वोल्टेज भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स, पावर इक्वल होता है। ईजी है या नहीं बताओ? बहुत आसान है। अब अपन आते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, एक्चुअल ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ स्मॉल एनर्जी लॉस होता है। किसकी वजह से? तो फ्लक्स लीकेज की वजह से। ये मैंने डिस्कस कर दिया था। फ्लक्स लीकेज सर कैसे? देखो यही बना के दिखाता हूँ फ्लक्स लीकेज तुम्हें। देखो मान लो सॉफ्ट आयरन कोर बना रहे हो, यहाँ पे तुमने लपेट दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा होता है वहाँ पे सॉलेनोइड में,
अरे कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो ये लीक कर गया ना यहाँ से, कॉइल से बाहर निकलते हुए, मैग्नेट से बाहर, सॉफ्ट आयरन से बाहर निकल गया, तो फ्लक्स लीकेज है ये। क्या बेटा? फ्लक्स, लीकेज, फ्लक्स लीकेज है। दूसरा, रेसिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग कॉइल। बिल्कुल, ये जो कॉइल आपने एक वायर से बनाया है, इसका कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस लोगे, और रेसिस्टेंस लोगे तो इसके क्रॉस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस में जब भी करंट फ्लो होता है तो जूल्स लॉ फिटिंग इफेक्ट से उसमें लॉस होता है। इसीलिए आइडियल ट्रांसफार्मर में रेसिस्टेंस को अपन नेग्लिजिबल मानते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो रेसिस्टेंस इसमें क्या मान लेते अपन? जीरो। लेकिन एक्चुअल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉइल का रेसिस्टेंस होगा ना, तो कुछ ना कुछ लॉस होगा। इसीलिए अपन ये चाहते हैं क्या, ये रेसिस्टेंस कम हो। रेसिस्टेंस कम हो इसके लिए हम लोग थिक वायर यूज करते हैं। सर, थिक वायर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उससे रेसिस्टेंस कम हो जाता है। वायर जितना थिक होगा, मोटा होगा, एरिया उसका उतना ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, तो हीट लॉस स्मॉल होगा जब ये लेस होगा। नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो, क्लियर है? ठीक है सर, दो चीजें तो समझ आ गया। ईडी करंट की वजह से भी लॉस होता है। ईडी करंट क्या होता है साहब? अब समस्या है कि ईडी करंट क्या होता है। तो ये है, करंट इंड्यूस्ड इन अ प्लेट जिसमें क्लोज लूप नहीं होता, प्लेट, ड्यू टू वेयरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू वेयरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, वेयरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस इन अ प्लेट ड्यू टू वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से प्लेट में करंट इंड्यूस होता है। देखो, वैसल तो करंट फ्लो करने के लिए क्लोज लूप चाहिए, लेकिन एक मान लो कि तुम प्लेट लेते हो साहब, सिंपल, ये प्लेट लिया तुमने, ये प्लेट मान लो, थोड़ा सा खराब है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है इस प्लेट से। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, जानते हो, है ना? ऐसा अगर फ्लक्स है, यहाँ से फ्लक्स पास कर रहा है, ये प्लेट मान लो, यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है, ऐसे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चेंज होगा, तो वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। और ये कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, ये लूप नहीं है, वायर नहीं है, प्लेट है, तो इसे करंट फ्लो करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में इंड्यूस हो गया तो चार्ज को क्लोज लूप में घुमाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन को चार्ज को क्लोज लूप में घुमाएगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, जो कि क्लोज लूप में नहीं फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा तो खूब सारा इस तरीके का करंट इंड्यूस हो जाएगा, और करंट कहीं भी इलेक्ट्रॉन अगर डायरेक्शनल फ्लो करता है तो उसको करंट बोलते हैं, और उसके वजह से हीट लॉस होगा। तो यहाँ पे ईडी करंट किस में प्रोड्यूस होगा? सॉफ्ट आयरन कोर में, सॉफ्ट आयरन कोर में ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए हम लोग इस तरह का कुछ सॉफ्ट आयरन मटेरियल लेते थे पहले, यहाँ पे, कहाँ पे, ओ यहाँ पे, इस तरह का मोटा, एकदम थिक मोटा सॉफ्ट आयरन कोर लेते थे। लेकिन इसकी वजह से जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चेंज होगा तो इस तरह का करंट इंड्यूस होता था। मेरी मेरी बात सुनना, एकदम फील करा दूंगा, देखना। जैसे देखो, मार्कर देखो, यहाँ पे फील्ड लाइंस बोलो ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे एसी करंट पास होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे करंट। अब करंट कैसे फ्लो करेगा? देखो, फ्लक्स ऊपर है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे। यहाँ पे अगर नीचे तेरा आँख ले जाऊँ मैं, तेरा आँख उठा के नीचे रख दूँ तो देख, यहाँ से इस तरह का, इसके थिक क्रॉस सेक्शन एरिया में इस तरह का करंट प्रोड्यूस होगा, और ये पूरे यहाँ पे, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, इसका प्लेट जैसा, है ना, जैसे ये 3D मोटा है ना, इसको काट देते हैं और प्लेट टाइप ले लेते हैं। अब उस प्लेट टाइप में करंट कैसे फ्लो करेगा? प्लेट टाइप में तो देखो, क्योंकि अब यहां से ऐसे फ्लक्स नहीं पास कर रहा, देखना बेटा, ऐसे समझना, फ्लक्स ऐसे नहीं पास कर रहा, फील्ड लाइन से ये रहा, फील्ड लाइन से ये रहा, तो ये फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर ईडी करंट प्रोड्यूस होगा प्लेट में। अब वो ईडी करंट क्लोज लूप में तो फ्लो नहीं कर रहा, प्लेट में ऐसे ऐसे घूमेगा,
है ना, वायर तो नहीं है ना, ये प्लेट ऐसे ऐसे घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का परपेंडिकुलर प्लेन में घूमता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे घूमेगा, देख ऐसे ऐसे और ऐसे, सिर्फ यही नहीं होगा हर जगह होगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, बहुत थिन पतले पतले प्लेट यूज करते हैं और बीच में उसको लेमिनेट कर देते हैं। इसको अपनी भाषा में लिख लेना बेटा, जैसे मैंने समझाया, थ्री डायमेंशनल यूज ना करके इसको प्लेट टाइप लेते हैं, प्लेट टाइप बनाते हैं, जैसे तुम कॉपी समझते हो ना, कॉपी किताब देखते हो ना, कॉपी में बहुत सारे पन्ने होते हैं ना, तो वैसा ले लिया, मान लो ये बहुत सारे पन्ने जैसे ले लिए, ये बहुत ज़्यादा पन्ने जैसे ले लिए, है ना, और इस बहुत सारे पेजेस को मिलाऊंगा तो 3D मोटाई का तो बन ही जाएगा ये। अब इसमें क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन को लेमिनेट कर देते हैं बीच में, इसको लेमिनेट कर देते, मतलब इसका करंट उसमें ना जाए। अब यहाँ पतले में करंट तो फ्लो कर ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे ED करंट मिनिमाइज हो जाएगा। बताओ समझ आया कि नहीं है। दूसरा, हिस्टेरेसिस की वजह से लॉस होता है। हिस्टेरेसिस क्या होता है समझो, अपन यहाँ पे क्या यूज करें, AC, ओके AC, AC में करंट क्या होता है, चेंज। ओहो, करंट चेंज होगा तो सर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यहां से AC सोर्स लगाया, AC सोर्स में करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा। अब एक फ्लक्स पास कर रहा है आयरन से, आयरन लोहा सॉफ्ट आयरन, अब वो तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटाइज होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर खत्म हो गया तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और फिर AC करंट है तो डायरेक्शन चेंज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, तो आयरन लगातार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, तो इसकी वजह से भी तो एनर्जी लॉस होगा, इसके वजह से भी एनर्जी लॉस होगा। ये हिस्टेरेसिस पूरा पढ़ाऊंगा आपको, मैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ना है आपको, इस तरह का सॉरी H वर्सेस B का ग्राफ बनता है, बिल्कुल इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है, ये इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। ये अभी नहीं समझ आएगा आपको, है ना, और इतना समझना भी नहीं है, हिस्टेरेसिस तुम मैग्नेटिक मटेरियल में समझ लोगे, यहाँ पे ये चार मेन रीजन है हीट लॉस के, वो तुम्हें याद रखना है बस। सुनो, जितना इसका एरिया होता है उतना ज़्यादा हीट लॉस होता है, क्या होता है, हीट लॉस होता है, और सॉफ्ट आयरन के लिए जो एरिया है ना वो मिनिमाइज होता है, मिनिमम होता है, कम होता है, दूसरे मटेरियल के लिए एरिया बड़ा होगा तो एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, है ना, तो सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज़ करते हैं कि इसका हिस्टेरेसिस लूप कम होता है, ठीक है ना। तो देखो याद रखना, यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, ये स्पेस कम है तुम मेंशन कर लेना प्लीज़, मैं बोल देता हूँ अभी लिख लो, जैसे AC सोर्स दे रहा हूँ तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स से आयरन सॉफ्ट आयरन कंटिन्यूसली मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज एंड मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर डीमैग्नेटाइज फिर मैग्नेटाइज इन अ सेम डायरेक्शन, फिर डीमैग्नेटाइज फिर मैग्नेटाइज इन अपोजिट सेंस, इसके वजह से एनर्जी लॉस होता है। लिख लेना है बेटा, लिख लेना ये बात, ठीक है ना, स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिखो। नेक्स्ट देखिए बेटा, चौक कॉयल। अब साहब ये चौक कॉयल क्या होता है, चौक कॉयल इज अ डिवाइस विच यूज टू कंट्रोल करंट इन अ AC सर्किट, विच यूज टू कंट्रोल, दिस डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल करंट इन AC सर्किट। AC सर्किट में सडन होने वाले चेंज इन करंट को कंट्रोल करता है। मान लो किसी भी वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से या कोई भी सर्किट में खराबी की वजह से अचानक से करंट बहुत चेंज हो गया तो सर्किट इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, लेकिन ये कंट्रोल कर लेता है चेंज इन करंट को। कैसे कर सकता है यार, अगर सर्किट में करंट चेंज होगा तो होगा, इसको कंट्रोल कैसे करेगा, कोई आपको ध्यान में है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सर्किट में करंट चेंज हो जाए लेकिन वो चेंज होने नहीं देता है, जिसको चेंज से नफरत है? हाँ हाँ बिल्कुल वही, और उसी से बना होता है इंडक्टर। तो चौक कॉइल इज नथिंग बट अ इंडक्टर, सिंपल, चौक कॉइल इज नथिंग बट अ इंडक्टर, ठीक है ना। बट चौक कॉइल इटसेल्फ इज अ RL सर्किट। अरे सर यार कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, अभी बोला आपने इंडक्टर है, अब बोल रहे हो कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों है। तो सुनो, प्रैक्टिकली बात करते हैं थोड़ा सा, आइडियली भी करेंगे, प्रैक्टिकली बात करते हैं थोड़ा सा।
तो एक बात बताओ, इंडक्टर बनता कैसे है? सॉलेनोइड इंडक्टर मतलब सॉलेनोइड बनता कैसे? तो सर एक कनेक्ट वायर लेते हैं और वायर को ऐसे ऐसे घुमा देते हैं ऐसे, तो सॉलेनोइड बन जाता है। अच्छा, जो वायर आप लगा रहे हो जिसको घुमा के सॉलेनोइड बना दिया आपने, इंडक्टर बोल दिया, इस वायर का कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा क्या? कोई ऐसा वायर है, सुपर वायर थोड़ी ना लाया हो, सुपर कंडक्टर से वायर थोड़ी ना बना रहे हो। प्रैक्टिकली वायर लोगे तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, है ना? अच्छा, मतलब जिस वायर से ये इंडक्टर बना है, अपन एसी सर्किट में भी इंडक्टर ले लेते थे, है ना, अलग से इंडक्टर ले लिया और इधर लगाते थे रेसिस्टेंस, तो भाई सब लगाते नहीं थे। ये इंडक्टर जिस वायर से बना है ना, उस वायर का ही कुछ रेसिस्टेंस होता था। या बैटरी जैसे बनाते हैं आप, तो बोलते हैं बैटरी का जो मैकेनिज्म है अंदर, जो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है चाहे जो कुछ भी हुआ है, उसके कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ मटेरियल है, तो हर बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको आप बाहर से बना देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इंडक्टर जिस भी वायर से बना हुआ है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अच्छा सर, तो रेजिस्टेंस को दिखाएंगे, होगा तो यहाँ पे, लेकिन इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे आर दिखा देते हैं और ये एल होता है, ये है तुम्हारा एक्चुअल में इंडक्टर। अब मान लो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, या आपका बल्ब है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आपको जोड़ दिया, तो अचानक होने वाले करंट को, चेंज इन करंट को ये इंडक्टर क्या करता है? कंट्रोल। मान लो यहाँ पे बहुत तेजी से करंट चेंज हो रहा है, तो इंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक बैटरी बना लेगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर लेगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ होने वाले चेंज को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, ऐसे बंद नहीं कर सकता, थोड़ा कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, और यहाँ तक उस चेंज का इफेक्ट तुरंत से नहीं आने देगा, धीरे धीरे चेंज होने देगा। अचानक से चेंज होने पे बल्ब फ्यूज कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे चेंज को ये टॉलरेट कर लेगा। तो समझ आया एक यूज इसका। दूसरा देखो, इट यूज टू डिवाइड पोटेंशियल, और उससे भी खास बात, विदाउट पावर लॉस, बिना पावर लॉस के पोटेंशियल डिवाइड कर लेता है। हे गजब का चमत्कारी इंस्ट्रूमेंट है। देखो बताता हूं, पहले तो ये चेंज को कंट्रोल करना सिखा दिया मैंने आपको। देखो मान लो कि एक बल्ब है, बल्ब का रेटेड वोल्टेज है 200 वोल्ट और 200 वोल्ट एंड 100 वाट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर है बल्ब का। तुम्हारे पास एक सोर्स है जो 500 वोल्ट का है, ऑब्वियस ही बात है कि आप चाहोगे कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाऊं जो कि पोटेंशियल ड्रॉप को, नेट पोटेंशियल सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, सहयोग करे। नहीं लगाऊंगा 200 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को, इस सोर्स से डायरेक्टली जोड़ दूंगा तो फूक जाएगा। इतना ये मैक्सिमम 200 वोल्ट ड्रॉप टॉलरेट कर सकता है और ये सप्लाई कर रहा है 500 वोल्ट, तो ये खराब हो जाएगा, तय बात है। तो सर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसे काम किए, रेसिस्टेंस लगा दो, लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 200, ये भी रेसिस्टेंस, ये बल्ब रेसिस्टेंस होता है, यहाँ पे 200 तो यहाँ पे 300 ड्रॉप होगा, कुछ करंट आई फ्लो करेगा और इससे पावर लॉस होगा। रेसिस्टेंस भी पोटेंशियल डिवाइड करने के काम में आ सकता है, लेकिन इसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी वजह से पावर लॉस हो जाएगा। तो क्या इंडक्टर पावर लॉस नहीं कराता? नहीं। देखो कितना चमत्कारी है, यहां पे इंडक्टर लगा दो, इंडक्टर की वजह से यहां पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एसी है ना, डीसी थोड़ी ना, पोटेंशियल ड्रॉप होगा लेकिन पावर लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पाई बाई टू आगे चलेगा करंट से, मतलब इंडक्टर से पास होने वाले जो करंट होता है वाटलेस करंट होता है, उसके वजह से पावर लॉस इंडक्टर में होता ही नहीं, और सिर्फ इंडक्टर का ही लगा होता है, उसी सर्किट को कहते हैं वाटलेस सर्किट, और इसको कहते हैं वाटलेस इंस्ट्रूमेंट। और इंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है, देख भाई इंडक्टर का करंट, देख इंडक्टर का करंट इधर, इंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये इधर, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बता पाई बाई टू, तो इंडक्टर में कोई पावर लॉस नहीं होगा। तो इसने वोल्टेज डिवाइड किया लेकिन पावर लॉस नहीं कराया। आया तुमको समझ? बहुत सही, बहुत ज्यादा सही समझ आया, एकदम फील करा दिया मैंने तुम्हें, देख दोनों चीज मैंने फील करा दिया। अच्छा, इसका एक ट्यूबलाइट में भी यूज होता है, है ना, वो भी बताऊंगा, थोड़ा और चर्चा करते हैं चौक कॉइल पे। पहले देखो
तो ऐसा है कि अगर आप चौक कॉइल की बात करते हैं तो साहब तीन तरह का चौक कॉइल होगा, आइडियल, प्रैक्टिकल बेकार। सर ये बेकार वाला कौन सा चौक कॉइल है? देखो बताता हूँ। आइडियल चौक कॉइल मतलब मैं चाहूँगा कि यहाँ पे इंडक्टर हो जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस हो बट ये रेसिस्टेंस ना डेवलप करे, तो एक ऐसा वायर से बनाने की कोशिश करूँगा जिसका रेसिस्टेंस जीरो हो, उसी को हम बोलेंगे आइडियल, जिसका एक्सेल बहुत हाई होगा लेकिन रेसिस्टेंस होगा जीरो, तभी ये आइडियल बन पाएगा। अगर रेसिस्टेंस जीरो हो गया तो इसके करंट और वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस आएगा वो पाई बाई टू का हो जाएगा, इसलिए जो पावर लॉस होगा वो जीरो होगा। ये कहानी है भैया। प्रैक्टिकल में अपन एक्सेल तो हाई रखेंगे लेकिन कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस भी आ जाएगा, स्मॉल रेसिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा। अगर स्मॉल रेसिस्टेंस कंसिडर करते हैं तो जो फेज डिफरेंस होगा, रेसिस्टेंस तो बहुत कम है तो अब यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है कुछ, तो यहाँ से पास होने वाला करंट ये खुद आरएल सर्किट बन जाएगा इटसेल्फ। मान लो करंट इधर है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज रेसिस्टेंस होने की वजह से इधर भी ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ होगा, तो नेट वोल्टेज इधर आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है इसलिए वोल्टेज यहाँ पे आएगा, तो फेज डिफरेंस लगभग लगभग पाई बाई टू के बराबर होगा। कॉस फाई की वैल्यू वेरी स्मॉल, बहुत कम होगा, कॉस फाई की वैल्यू इज वेरी स्मॉल, हेंस पावर लॉस इज वेरी स्मॉल, पावर लॉस बहुत कम होगा। सर बेकार चौक कॉइल कैसा हो सकता है? बेकार चौक कॉइल देखिए, एक्सेल लो और रेसिस्टेंस हाई, तो क्या फायदा, फिर रेजिस्टेंस ही लगा लेते हैं, लगभग लगभग जीरो होगा तो कॉस फाई हाई होगा तो पावर लॉस हाई हो जाएगा। मेरा उद्देश्य था बल्ब में एनर्जी को यूज करना, या कोई इंस्ट्रूमेंट है वहां पे पावर ड्रॉप हो वहां पे पावर लॉस हो। कोई भी सप्लाई जब घर में आता है तो पैसा किस चीज का देते हो, करंट का, वोल्टेज का, या पावर लॉस का? पावर लॉस का देते हो, हीट लॉस जो होता है, पावर लॉस, हीट लॉस पर सेकेंड को पावर कहते हैं, पावर लॉस जो हो रहा है। अब जो हीट लॉस या पावर लॉस होगा वो इंस्ट्रूमेंट में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब तुमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया वहाँ पे हीट लॉस हो रहा है, वो यूज़ हो ही नहीं रहा, तो पैसा तो उसका भी देना पड़ेगा। ये बात सुन, मेरी बात सुन, सप्लाई वोल्टेज अगर 500 का है, यहाँ भी पावर लॉस हो रहा है, यहाँ भी पावर लॉस हो रहा है, ये तो यूज़ कर रहा है ये यूज़ नहीं कर रहा है, तो यूजलेस पावर लॉस है, लेकिन पैसा तो इसका भी देना पड़ेगा। तुम क्या चाहोगे, ईमानदारी से बताओ तुम क्या चाहोगे? सर मैं तो चाहूंगा कि जितना यहाँ पे यूज हो उसी का पैसा दो, तो चाहोगे कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो पोटेंशियल ड्रॉप कराए लेकिन पावर लॉस ना कराए, तो एक आइडियल इंडक्टर हो सकता है, एक आइडियल इंडक्टर हो सकता है, आइडियल इंडक्टर हो सकता है। ये देखो आइडियल इंडक्टर है, ये प्रैक्टिकल है, कुछ ना कुछ आ जाएगा रेसिस्टेंस, लेकिन लेकिन बेकार, मतलब बेकार बेकार, इंडक्टेंस कम और रेसिस्टेंस ज्यादा। समझ आया कि नहीं आया? चलो अब ट्यूबलाइट में कैसा इसका यूज होता है देखो। ट्यूबलाइट में क्या होता है कि तुम एक स्टार्टर लगा होता है ट्यूबलाइट में, अंदर में आर्गन कार्बन गैस भरा होता है ना। अब यहां पे एक स्टार्टर लगाते हैं, स्विच स्टार्टर लगा होता है, यहां से सप्लाई आता है, यहां पे लगाता होता है तुम्हारा चौक कॉइल, अब होता क्या है कि यहां से करंट फ्लो करता है, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, यहां पे स्टार्टर लगा होता है, स्विच लगा होता है। अब यहां पे जो आर्गन गैस है, फ्लोसेंट लैम्प जो ट्यूबलाइट होता है उसके अंदर गैस फिल्टर होता है ना, गैस आयनाइज होता है तभी तो वहां से लाइट निकलता है। उस गैस को अगर तुम 220 वोल्ट सप्लाई करोगे ना पोटेंशियल डिफरेंस, उससे आयनाइज नहीं होता, उसको आयनाइज होने के लिए लगभग 1000 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए होता है, लेकिन 1000 वोल्ट पोटेंशियल आएगा कैसे, सप्लाई तो 220 वोल्ट का है। तो जैसे ही एक स्टार्टर होता है जो यहाँ पे स्विच बोलते हैं, जो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, जो पहले सिलेबस में था लेकिन अब नहीं है, ज़्यादा हीट अप हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाता है और फिर हीट कम होगा तो ऑन हो जाता है। तो जैसे ही ऐसे करंट प्रोड्यूस होता है तो देखते होगे कि पहले स्पार्क करता है थोड़ा सा, जैसे स्विच ऑन, मतलब तुमने स्विच ऑन कर दिया लेकिन पहले का जो ट्यूबलाइट होता था, अभी तो स्विच ऑन करते ही तुरंत से ऑन हो जाता है, टाइम लैग जीरो है, लेकिन पहले का जो ट्यूबलाइट होता था ऑन करने से थोड़ा ऑन ऑफ होता था, फिर जलने लगता था। तो होता क्या है कि जैसे स्विच ऑन करोगे तो यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई हुआ पोटेंशियल, लेकिन 220 वोल्ट आर्गन गैस या जो भी गैस है उसको आयोनाइज करने के लिए सफिशियंट नहीं है, वहाँ से लाइट इमिट नहीं होगा। तो एक स्टार्टर लगा होता है,
वो अचानक से स्विच ऑफ हो जाता है इंस्टेंटेनियसली। और जैसे ही स्विच ऑफ होगा तो यहाँ पे एक रिक्वायर्ड सेल्फ इंडक्टेंस का इंडक्टर लगा होता है जिसमें करंट तुरंत से जीरो होगा। अभी करंट आई फ्लो कर रहा था बढ़िया, तुरंत से स्विच ऑफ हो गया तो करंट सर्किट ब्रेक तो करंट जीरो। लेकिन ये इतनी जल्दी से आसानी से करंट को जीरो तो होने नहीं देगा। तो ये करंट आई से जीरो होना चाहता है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन करंट मैक्सिमम है। तो यहाँ पे सेल ईएमएफ इंड्यूस होगा, बैक ईएमएफ LdIdt, और आई एल की वैल्यू बहुत हाई रखते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल वोल्ट ऑलमोस्ट 1000 वोल्ट के आसपास तुरंत से प्रोड्यूस हो जाता है बैक ईएमएफ। और 1000 वोल्ट जैसी पोटेंशियल डिफरेंस आता है, यहाँ पे जो गैस है वो तुरंत से आयनाइज हो जाता है और लाइट इमिट हो जाता है। ये कहानी है इसमें, तो चौक कॉइल का यहाँ भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये यूज़ ज़बरदस्त समझ आया कि नहीं आया, करंट को कंट्रोल करता है, अचानक से होने वाले चेंज इन करंट को कंट्रोल करता है। अगर ये इंडक्टर ना हो तो तुरंत जितना करंट चेंज हुआ बल्ब से उतना ही होगा, किसी इंस्ट्रूमेंट से होगा तो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा। और दूसरी बात, पोटेंशियल को डिवाइड करता है विदाउट एनी पावर लॉस। और ट्यूबलाइट में मर्करी में हाई पोटेंशियल जनरेट करने का काम करता है ये तुरंत से इंस्टेंटेनियसली। फिर से हाई पोटेंशियल जनरेट हुआ, गैस एनर्ज हुआ, तुरंत से ये स्विच ऑन हो जाता है। फिर तो फिर करंट फ्लो करने लगता है 220 वोल्ट पे, ये गैस एक बार एनर्ज हो गया तो एनर्ज रहता है, लाइट निकल रहा होता है। समझ आया? स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, चौक कॉयल एंड ट्रांसफार्मर पे मैंने लिखा है, फाइंड पावर लॉस इन चौक कॉयल इफ रेसिस्टेंस इज 40 ओम, एक्सएल इज 30 ओम, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस चौक कॉयल इज 220 वोल्ट। चौक कॉयल के क्रॉस पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो रेसिस्टेंस के लॉन्ग है या इंडक्टर के लॉन्ग है? बेटा इंडक्टर एंड रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को अपन कहते हैं चौक कॉयल। नेट पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के अलॉन्ग मिला के है 20 वोल्ट, ठीक है सर। ये इंडक्टर है, ये रेसिस्टर है, क्लियर है बात ही, ठीक है। अब हमें पता है कि R इज 40 एंड XL इज 30, तो तुम सोच के बताओ अगर रेसिस्टेंस चौक कॉयल का 40 ओम है और XL 30 ओम है तो बढ़िया चौक कॉयल है कि बेकार है? अरे सर बेकार है, थोड़ा बहुत काम करेगा इसकी वजह से, लेकिन रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो बेकार चौक कॉयल। ओके, अपने को तो पावर लॉस बताना है बस। पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो AC सर्किट हो गया, RL सर्किट हो गया, ये पावर लॉस का जनरलाइज फॉर्मूला AC में क्या है? IRMS VRMS इंटू कॉस फाई पावर फैक्टर, याद रखिएगा IRMS VRMS इंटू कॉस फाई। प्योर रेसिस्टर में कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाता है, क्योंकि प्योर रेसिस्टेंस में इंपेडेंस कॉस फाई की वैल्यू होती कितनी है पहले बताओ, R/Z पता होना चाहिए। कॉस फाई पावर फैक्टर क्या होता है? R/Z। प्योर रेसिस्टर की बात करूंगा तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्योर रेसिस्टर में सर Z R के बराबर होगा, प्योर रेसिस्टर है तो, इसलिए कॉस फाई 1 हो जाता है। इसलिए प्योर रेसिस्टर के केस में होता है IRMS इंटू VRMS। प्योर इंडक्टर अगर होता तो प्योर इंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती, प्योर इंडक्टर अगर है तो रेसिस्टेंस जीरो तो कॉस फाई जीरो, पावर लॉस जीरो। लेकिन ये RL सर्किट है तो आराम से चलो IRMS को VRMS बाई जेड लिख सकता हूँ क्या? हाँ, IRMS को VRMS बटा जेड तो लिख सकता हूँ ना। तो ये फॉर्मूला देखिएगा क्या हो जाएगा, VRMS बटा जेड, VRMS का होल स्क्वायर बटा जेड इंटू कॉस फाई को लिखूंगा आर बटा जेड, तो जेड इंटू जेड क्या होगा, जेड स्क्वायर। तो देखिएगा ध्यान से, VRMS का होल स्क्वायर आर बटा जेड स्क्वायर, ये आएगा रिलेशन आर बटा जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी होगी, तो R और XL हमें पता है, तो नेट इम्पिडेंस आप निकाल सकते हैं Z इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर, ये तो Z होगा, Z स्क्वायर है तो सिंपल आर स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। 30 का होल स्क्वायर 40 का होल स्क्वायर तो क्या होगा, 50 का होल स्क्वायर। तो ये साहब आ जाएगा Z स्क्वायर मतलब 50 का होल स्क्वायर, तो 50 का होल स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई आर कितना है 40, ये आएगा आंसर। यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 50 मल्टीप्लाई 50 लिख लीजिए इसको, तो 0 से 0 से 0 से 0 कैंसिल होगा, नीचे 25 ऊपर 160, तो 160/25 वाट आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो RL सर्किट जैसा ट्रीट करेंगे, अच्छे से समझिए प्लीज़। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉयल ऑफ टर्न्स हैव 50 एंड 1500 टर्न्स। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 50, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज 1500, बिल्कुल हो सकता है। इफ फ्लक्स इन प्राइमरी इज दिस देन फाइंड आउटपुट वोल्टेज। बेटा इनपुट वोल्टेज होता है रेट ऑफ चेंज इन प्राइमरी फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है इनपुट वोल्टेज, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, फाइंड आउट कॉन्स्टेंट है
टी के साथ डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये 4 आ जाएगा, मतलब प्राइमरी वोल्टेज तुम्हारा 4 आ गया। अब रिलेशन, सेकेंडरी वोल्टेज बटा प्राइमरी वोल्टेज बराबर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बटा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। सेकेंडरी टर्न नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता है 1500, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स पता है 50, तो इसको यहाँ से लिख लेंगे। उससे पहले हमें सेकेंडरी मतलब आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये बचेगा तुम्हारा 1500 बाई 50 मल्टीप्लाई ईपी। ईपी की वैल्यू कितना निकाला हमने, इनपुट वोल्टेज या प्राइमरी वोल्टेज 4 × 4, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से करूंगा तो 30 मल्टीप्लाई 4 तो 120 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। लो सर, आंसर आ गया। क्लियर है क्या? बहुत इजी है, अपने को बस ये रिलेशन पता होना 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 चाहिए था, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिएगा, रेशियो ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी टर्न्स। ओ हो, सेकेंडरी एंड प्राइमरी टर्न्स 3/8 दिया हुआ है। इफ इनपुट पावर इज पी, इनपुट पावर इज पी, देन फाइंड आउटपुट पावर। देखो बेटा ऐसे उल्लू बनाते हैं, आंसर क्या होगा? आउटपुट पावर इज इक्वल टू पी होगा, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर मानेंगे, और आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर होता है। समझ आया? अगर वोल्टेज होता, वोल्टेज का रेशियो निकालना होता तो हम यूज करते, करंट का रेशियो निकालना होता तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, बट पावर इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। ये रहेगा आंसर बेटा। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए।